हेलो स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास एलेवेंथ बायोलॉजी का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोगों ने किंगडम प्लांटी तक पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग किंगडम एनीमिरिया के बारे में इसके अलावा वायरस वायरॉइड्स एंड लाइकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट किंगडम एनिमीरिया इसका फर्स्ट करेक्टरिस्टिक दे रखा है हाइड्रोट्राफिक मीन्स ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना ऑप्टेंट करेंगे ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होंगे यूक्रियाटिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स इनके पास अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा डेटा आर मल्टी सेलुलर काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलकर बने रहेंगे इनकी बॉडी एंड सेल वॉल इज अपसेंट इन द सेल और इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होगा लेकिन प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है जो कि आप लोगों ने देखा है सेलुलोज की बनी रहती है इसके अलावा किंगडम फंजाई में भी मैंने आपको बताया था वहाँ पर भी जो मेम्बर्स आते हैं उनके पास भी सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल एक स्पेशल केमिकल सब्सटेंस जो कि काइटिन नाम था उससे मिलकर बनी रहती है नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजॉय मीन्स जितने भी एनिमल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को वो ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में और उसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं हॉलोजॉय तो यहाँ पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स में देखने को मिलेगा वो होलोजॉयक होगा स्टूडेंट्स एंड रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन और फैट्स और इन यहाँ पर जो इनका जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा नेक्स्ट है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एमरोजिकल डेवलपमेंट यानी कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें मेल एंड फीमेल गैमिट का फ्यूज़न भी होगा और फ्यूज़न के बाद जो गैमिट का फ्यूजन होता है जिस प्रोसेस से उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और फाइनली जाइगोड प्रोडक्ट मिलेगा उसके बाद जायगोट में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस आती हैं उसके बाद ये डेवलपमेंट होता है तो वो सारे जो डेवलपमेंट होते हैं उनको हम एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वायरस वायरोइड्स एंड लाइकेंस यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट करना है स्टूडेंट कि जो हम लोगों ने आर एच विटैकर का फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था उनके क्लासिफिकेशन में वायरस वायरोइड्स और लाइकन्स के बारे में डिस्कस नहीं हुआ है इसलिए हम लोगों को यहाँ पर सेपरेटली उनके बारे में पढ़ना पड़ा है सो दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ़ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे रखा है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डू नॉट इंक्लूड वायरस वायरॉइड्स एंड लाइकेंस सबसे पहले वायरस के बारे में पढ़ेंगे वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग यानी कि जो वायरस होते हैं जब तक बाहर ये रहते हैं तब तक ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं और जैसे ही इनको एक बार लिविंग सेल में एंट्री मिलती है तो ये उस होस्ट ऑर्गेनिजम की जिसकी बॉडी के अंदर ये एंटर कर रहे हैं उसकी मशीनरी यूज़ करके और अपने आप को ये रेप्लीकेट करते हैं तो वहाँ ये अपना लिविंग बिहेवियर शो करते हैं सो so, माना गया है दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आगे कंटिन्यू इसमें दे रखा है वैन दे एंटर द लिविंग सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ लिविंग सेल टू रेप्लीकेट दैम सेल अपने कॉपीज को बढ़ाने के लिए उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लीकेशन नेक्स्ट है डी जे एवानोविस्की रिकोगनाइज सर्टिन माइक्रोब्स एज कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मॉजिक डिजीज ऑफ टबैको सबसे पहले वायरस को रिकॉगनाइज करने का जो काम है वो डी जे एवानोविस्की साइंटिस्ट हैं उन्होंने टबैको प्लांट में एक डिजीज़ हो रही थी जो कि वायरस के द्वारा हो रही थी और वहाँ पर सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में पता लगाया नेक्स्ट इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल कुड बी डी एन ए और आर एन ए इनका पास प्रोटीन का कोट होता है और कोट के बाद इनके पास जेनेटिक मटेरियल भी मिलेगा जो कि डी या आर में से कोई एक मिलेगा इन जनरल वायरस डेट इन्फेक्ट प्लांट है सिंगल स्टैंडर्ड आर एंड वायरस डेट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव डबल एन ए देखा गया है कि ज़्यादातर जो वायरस प्लांट को इफेक्ट करते हैं वहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनके पास आरएनए होता है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है वहीं अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि जो वायरस एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं उनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है नेक्स्ट है सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस आर कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा एड्स स्मॉल पॉक्स लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग ये सारी जो डिजीज हैं वो वायरस के द्वारा होती हैं नेक्स्ट है बैक्टीरिया फीडिंग वायरसेस आर कॉल्ड बैक्टीरियो फेज आर यूजली डबल स्टैंडर्ड ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियो जहाँ तक इनके पास डबल एज स्टैंडर्ड डी एन ए होता है नेक्स्ट है द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर इनके पास भी प्रोटीन कोट होता है और जो प्रोटीन कोट होता है उसे हम कैप्सिड बोलते हैं जो कि छोटी छोटी शुट यूनिट से मिलकर बना हुआ है जिनको हम कैप्सोमियर बोलते हैं प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लिक एसिड है उसे प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं दिस कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहाइड्रियल पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स अलग अलग फॉर्म्स में अरेंज रहते हैं इनके अंदर जैसा कि आप लोग नीचे फिगर में देख पा रहे हैं कैप्सिड दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से और ये जो डायग्राम दे रखा है वो आपका TMB, है। है, टी एम बी टबैकोमोजिक वायरस का डायग्राम दे रखा है नेक्स्ट है वायरस आर डिस्कवर्ड बाय टीओ डायनर वायरस से भी छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वायरॉइड्स उनको डिस्कवर किया है टीओ डाइनर ने एज अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरसेस ये वायरस से भी छोटे होते हैं कॉजिंग पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ डिजीज़ का नाम है जो इनके द्वारा कॉज होता है दे आर फ्री आर एन ए विदाउट प्रोटीन कोट यहाँ पर प्रोटीन कोट मिलता ही नहीं है वायरस के पास प्रोटीन कोट होता है लेकिन जो वायरोइड्स होते हैं उनके पास कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेक्ड होता है आप लोगों को ये डायग्राम नजर आ रहे हैं ये डायग्राम आपको स्टूडेंट्स कॉपी में ड्रॉ करने हैं ये वाला जो डायग्राम है इसके साथ साथ आपको एक और डायग्राम दिखाया गया है वो डायग्राम है आपका ये वाला बैक्टरियो फेज जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे हेड है उसके बाद कॉलर शीट हेलीकली अरेंज है इसके बाद इसके टेल फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं तो ये दोनों डायग्राम्स आपको नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं और लेबलिंग आपको पेंसिल से करनी है नेक्स्ट है लाइकस के बारे में स्टूडेंट लाइकेंस आर द सिम एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म भी हम इसको बोल सकते हैं दो मेंबर एक साथ रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा ही होता है जैसे लाइकेंस में जो मेंबर्स मिलते हैं साथ में वो हैं एलगी एंड संजाई द एल्गल पार्ट इज़ कॉल्ड फाइकोबायोन जो एल्गल पार्ट है जो एलगी वाला पार्ट है इस कॉम्बिनेशन के अंदर उसे हम फाइकोबायन बोलते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एंड फंगल पार्ट्स आर कॉल्ड माइकोबायोन और वहीं फंगल पार्ट जो है उसको हम माइकोबायोन बोलते हैं जो कि बाकी के जो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं उसे एब्जॉर्ब करना और उसे एलगी तक पहुंचाने का जो काम है वो ये करता है दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स ये ऐसे एरिया में ग्रो नहीं होते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन या सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज़ नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसका एक ओवरऑल व्यू दे रखा है सबसे पहले हम लोगों ने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा मोनेरा की दो ब्रांचेस हैं यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया जो है प्रीमिटिव बैक्टीरिया है इसमें यूनी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं यू बैक्टीरिया उसके बाद थोड़े एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं हालांकि इसमें भी यूनीलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसके बाद हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम लोगों ने यूनीलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा और वो भी यूकैरियोटिक होते हैं यूकैरियोटिक इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है देन उसके बाद हम लोगों ने किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ा जहाँ पर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं फिर हम लोगों ने किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ा जहाँ पर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे इसमें हम लोगों को नेक्स्ट जो चैप्टर है एल्गी ब्रायोफाइट ब्रायोफाइड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है एंड लास्ट में आज की क्लास में हम लोगों ने किंगडम एनिमिलिया के बारे में देखा और यहाँ पर भी हमने ये देखा कि जो एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं और यू हैं जिनके पास हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है तो ये चैप्टर जो है वो हमारे यहाँ फिनिश होता है स्टूडेंट